तो आइए अजीजों, हम चलते हैं वचन में, परमेश्वर की अगुवाई में, जो वचन का चुनाव हमने किया है। और फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि आज का ये एपिसोड जो है, ये 25वां एपिसोड है, ये धर्मी टॉपिक का ये सिल्वर जुबली चल रहा है। और परमेश्वर आज के दिन, परमेश्वर आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीषित करे, और आज के दिन परमेश्वर कुछ नई और आपके जीवन में, आपको मसीहत में और आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूती से बढ़ने का कारण बनाए। तो आइए हम चलते हैं रोमियो की पत्री 4वां अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो विषय है धर्मी जीवन। और अभी थोड़ा सा उसमें ऐड करते हुए, हम धर्मी व्यक्ति के निर्णयों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पे बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह का बलिदान हमें अनोखे तरीके से हमें उद्धार देता है, उसके साथ साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। हम उसके लायक नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है धर्मी होने की, लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। तो इन सब बातों के ऊपर हम गहरा अध्ययन कर रहे हैं, और हम लोगों ने देखा है कि नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के अंदर कौन सी काबिलियत या कौन सी बात होती है, जिसके बारे में याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। नए नियम के अनुसार हमें यहाँ पे दो व्यक्तिमत्व दिखते हैं, दो स्वभाव दिखते हैं। यहाँ पर नंबर एक, आपस में अपने पापों को मानना, मतलब मानने के बाद केवल एडवर्टाइज के लिए नहीं, जो मान रहा है उसे क्षमा की जाए, जिसको एहसास है वो क्षमा मांगे। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति में, मसीह व्यक्ति में हर हालात में ये पहला स्वभाव होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बहुत बड़े बड़ी सेवा कर रहा हूं, बहुत बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूं, बहुत लोग मुझे पहचानते, लेकिन मेरे अंदर ये क्षमाशील स्वभाव नहीं है, तो लानत है मेरे मसीह जीवन पर। मुझे मसीह का सर्वोत्तम टॉप लेवल का स्वभाव यह है, क्षमाशील। हमें उसने क्षमा किए, मसीह यीशु में अगर हमारी क्षमा हुए तो हमारे गुनाहगार को भी हम क्षमा करना चाहिए, फिर वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो। हमें बड़े दिन से क्षमा मांगनी भी है और क्षमा करनी भी है। गलती होने के बाद क्षमा मांगना, गलती करने वालों को क्षमा करना, और आगे दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप क्षमा करोगे तभी आप प्रार्थना करोगे, अन्यथा अगर किसी के प्रति मेरे हृदय में अगर कड़वाहट है, अक्षमा है, माफी नहीं कर रहा हूं, मेरे हृदय में किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति मेरे अंदर कहीं ना कहीं जलसी है, तो मैं कहां से करने वाला हूं प्रार्थना? और अगर उसके बावजूद अगर कोई प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना प्रेयर ऑफ हिपोक्रेसी है, ढोंग से भरी हुई प्रार्थना है। और ये प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती, ये प्रार्थना उस जगह से एक सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन जो क्षमाशील जीवन जीकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के पास जाती है। और बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना की ओर उसके कान लगे हुए हैं। आमेन। यदि मेरी प्रार्थना की ओर मेरे परमेश्वर कान लगाए, तो उसके लिए मुझे क्षमाशील होना है, फिर प्रार्थनाशील होना है। यदि मैं क्षमाशील नहीं हूं तो मुझे आपको बताना है, मेरी प्रार्थना का कुछ मतलब नहीं है, ये केवल बड़बड़ाहट से भरी हुई और केवल दिखावा की प्रार्थना होगी। और रोमियो 3:10-12 में ऐसा लिखा है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। और इस वचन का बहुत सारे लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस वचन का इस्तेमाल करते, और उसमें जो बार बार गलतियां करते ना वही बात को, वो लोग इस वचन की पूछ पकड़ कर कहते धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन उसको कहना, आगे पढ़ना, आगे ऐसा लिखा है समझदार कोई नहीं, आगे ऐसा लिखा है खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, आगे ऐसा लिखा है
भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति में पुराने नियम में व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद ये तीन स्वभाव दिखते हैं, समझदारी, खुदा का खोजी और भलाई करने वाला। और ये तीन स्वभाव नए नियम के दो स्वभाव के साथ अगर जोड़ेंगे तो पहले आती है क्षमाशीलता, दूसरी आती है प्रार्थनाशीलता, तीसरा आता है समझदारी, चौथा आता है खुदा का खोज और पांचवा आता है भलाई। जब ये पांच स्वभाव से हम चलेंगे तो ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री दुष्ट को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से याकूब 5:16 के अनुसार बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। और अगर धर्मी जीवन में हमें धर्मी ठहराया गया है तो धर्मी ठहराया गया, लेकिन धर्मी जीवन में हम बढ़ रहे क्या? आज का टॉपिक जो हम आगे मूसा के ऊपर देखने वाले, सभी बातें एक दूसरे को कनेक्टेड है। धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए हमें जैसे पाठशाला में परीक्षा देते देते पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ऐसे करते करते हम पाठशाला से हम आगे बढ़ते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम डिग्री लेते, लेकिन हर जगह पर निर्णय लेते हुए, पढ़ाई का निर्णय लेते हुए, परीक्षाओं को पास करते हुए, अच्छे नंबर्स लाते हुए हमें आगे बढ़ना है। स्कूल में दाखला तो मिला है लेकिन सालों से अगर पहली कक्षा में बैठे हो तो सारा संसार उस व्यक्ति पे हंसने वाला है। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में उद्धार के बाद हमें धर्मी जीवन की पाठशाला में दाखिला मिला है, लेकिन क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या सालों से उधर ही तेल पानी के चक्कर में पड़े हुए, या सालों से उधर ही भविष्यवाणियों के चक्कर में पड़े हुए, या सालों से केवल हम प्रार्थना ही करके ले रहे, लेकिन वो समय कब आएगा कि आप जाकर प्रार्थना करोगे? वो समय कब आएगा जो चंगाई आपको मिली आपके द्वारा किसी को चंगाई मिली? वो समय कब आएगा जो आपको परमेश्वर के द्वारा एनॉइंटिंग मिली क्या आपके द्वारा किसी को मिली है? यदि नहीं तो मुझे आपको बताना है कि अभी भी हम वो दूध पीने वाले धर्मी है। इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता। अगर परमेश्वर कहता है तुझे वहां पर बैठना है, वहीं पर ही बैठ। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन यह हमारा व्यक्तिगत चुनाव है, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, यह हमारा व्यक्तिगत फैसला है। प्रभु, पिछले कुछ सालों में मैं आगे बढ़ा नहीं या बढ़ी नहीं हूं, लेकिन आज मैं निर्णय लेता हूं या लेती हूं, मैं आगे तुझ में बढ़ना चाहता हूं या बढ़नी चाहती हूं, तो उसके लिए हमारे निर्णय योग्य होने चाहिए। और हमने गलातियों की पत्री उसमें से कुछ वचनों को लेकर हमने निर्णयों के ऊपर जो बात देखिए वो है गलातियों का 6 अध्याय वचन 7 में ऐसा लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ मतलब अगर हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं किसको धोखा मिलेगा? यदि उस क्षेत्र का ज्ञान आपको नहीं है, आपको अगर पता नहीं वहां पे एक बड़ा गड्ढा है तो आपको वहां पर अगर कोई गिराने के लेकर जा रहा है तो आप 100% गिरेंगे, मैं भी गिरूंगा। लेकिन यदि मैं परमेश्वर का ज्ञान रखता हूं, इस पाप के गड्ढे में, इस लालच के गड्ढे में, इस वासना के गड्ढे में मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि यह वचन मुझे पता है, मैंने निर्णय लिया है, मैं जीऊंगा यीशु के लिए, मैं मरूंगा यीशु के लिए, मेरे जीवन का मकसद यीशु है, तो मुझे आपको बताना हम धोखा नहीं खाएंगे। आपको टेम्पटेशन देने के लिए, आपको बहला फुसलाने के लिए, भरमाने के लिए दुष्ट आएगा, कुछ सेवकों के माध्यम से आएगा, कुछ भविष्यवक्ताओं के माध्यम से आएगा, किसी स्त्री के सामने पुरुष के माध्यम से आएगा, पुरुष के सामने स्त्री के माध्यम से आएगा, जवान लड़के के सामने लड़की के माध्यम से आएगा, लड़की के सामने लड़के के माध्यम से आएगा। लेकिन यदि जो परमेश्वर में, जो धर्मी जीवन में जो बढ़ रहा है, आगे की ओर चल रहा है, दूध छोड़कर जो रोटी खा रहा है, वो धोखा नहीं खाएगा। यदि धोखा खाएगा तो बाइबल कहती है उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर को कभी कभी ठट्टों में उड़ाया जाएगा। आज हम देखते हमारे सोशल नेटवर्क साइट्स के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आज जो भी वाहियात बातें चल रही है, लड़कियों का नीचे गिरना, उनके शरीर की हलचल, उनके बॉडी की वाइब्रेशन, कोई कुर्सी को छूने के लिए कह रहा है, कोई पैरों को छूने के लिए कह रहा है, देखो मेरा एनॉइंटिंग, और ये सब बातें हमारे आसपास हो रही है।
इन सब बातों के द्वारा आज कुछ लोग इतने शाही कुर्सी लगाकर प्रॉफिट बन गए हैं और बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, ऐसा वैसा फलाना। आज लोगों को अच्छा लग रहा है, किसी ने मेरा नाम लिया, किसी ने अल्फाबेटिकली यस के ऊपर में मेरा नाम लिया है, कोई यहाँ पर फलानी व्यक्ति बिना नाम की लड़की है या विनोद नाम का लड़का, ये सुनकर लोगों के अंदर झंकार आ जाती है। लेकिन खुदा का कलाम अगर उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये न्याय का आज समय है कि वो सुधर जाए। बाइबल यहां पे कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है। क्यों? जब हमारे बेवकूफ निर्णयों की वजह से, हमारी बेवकूफी के लिए, हमारी सावधानी ना बरतने की वजह से हम जो बोएंगे वही काटेंगे। और आगे बाइबल ऐसा जिक्र करती है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटेगा। आज इन दिनों में मैं आज और गहराई में आपको लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं इस 25वीं आज के एपिसोड की इस सिल्वर जुबली के ऊपर मैं आपके सामने भजन संहिता का अध्याय 37 और वचन 25 पढ़ना चाहता हूं। फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहता हूं, धर्मी व्यक्ति के ऊपर, धर्मी व्यक्ति के पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर का क्या अनुग्रह होता है ना, जिसके बारे में दाऊद रिकॉर्ड कर रहा है। क्या लिख रहा है देखो, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मतलब ये जो भजन लिखा है भले नंबर में आगे आया है, लेकिन दाऊद ने अपने अंतिम समय में लिखा हुआ भजन है। वो कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखकर आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। आज के 25वें एपिसोड में धर्मी जन आपके लिए परमेश्वर प्रोत्साहित कर रहा है। खुद दाऊद कहता है, परमेश्वर का चुना हुआ कहता है, मैंने धर्मी को ना तो त्यागा हुआ ना धर्मी के संतान को भीख मांगते हुए देखा है। यदि आज आपको लगता है मेरे परिवार का कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा, यहाँ पे मुझे देखने वाले माँ बाप, यदि आप धर्मी जीवन जीते हो ना, आपके बच्चे आपके संतान आपको कभी त्यागेगी नहीं। और आपकी संतान भले कम पढ़ी लिखी होगी, भले वो कुछ कामों में असफल है, भले एजुकेशन में असफल है, भले कुछ बातों में असफल है, टेंशन मत लो। यदि आप धर्मी जीवन जीते हो और आपको देखकर आपकी संतान अगर धर्मी रास्ते पे चल रही है ना, तो वो धर्मी जन की संतान की जरूरतें अपनी जलाल के साथ पूरा करेगा। धर्मी व्यक्ति को डरने की कोई चिंता नहीं है, उसे कोई त्यागेंगे नहीं, उसको अपने बाल बच्चे संभालेंगे, अब उसके बाल बच्चे उसके नजरों के सामने कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे, लेने वाले नहीं होंगे तो देने वाले होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो मैच्योर माँ बाप है, जिनके बच्चों के बारे में आज उनके दिमाग में ख्याल चल रहे होंगे, विचार चलते होंगे कैसा होगा, बस धर्मी जीवन जियो। कलाम का परमेश्वर कहता है धर्मी के संतान को टुकड़े मांगते हुए राजा ने कभी देखा नहीं। आमीन। दाऊद राजा ने देखा नहीं, स्वर्गीय राजा भी देखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है यदि ये धर्मी जीवन जीता है तो ऐसे धर्मी जन की ओर मेरी आंखें लगी हुई है, और ऐसे धर्मी जन की ओर मेरे कान लगे हुए हैं, और ऐसे धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, असंभव को संभव कर सकते हैं। आंखों ने देखा नहीं, मनुष्य के चित्त में आया नहीं, कानों ने सुना नहीं, ऐसे अद्भुत बातें धर्मी जन की प्रार्थना में होगा। किसी के बड़े आवाज से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी से कुछ नहीं होगा, धर्मी जन की साइलेंट प्रार्थना भी भूकंप लेकर आ सकती है, धर्मी जन की साइलेंट प्रार्थना भी आसमान को तोड़ सकती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर हालात में आपको और मुझे धर्मी जीवन जीना बहुत जरूरी है। आमीन। तो आज हम जिस व्यक्ति के जीवन से देखने जा रहे हैं, आप उस व्यक्ति के जीवन से जिसका नाम है मूसा, मूसा का मतलब है निकाला हुआ, पानी से उस राजकन्या ने उसको निकाला, इसलिए उसका नाम मूसा गिर गया। अलग अलग नाम बताए जाते हैं, लेकिन जो मुझे नाम पता है, जिसका अर्थ डिक्शनरी से मुझे मिला है, पानी से निकाला हुआ, वो निकाला हुआ था। यहां पे बहुत अच्छा संदेश है हमारे लिए, वो पानी से निकाला हुआ था इसलिए उसने मिस्र में से अपने लोगों को निकाला। और मूसा की मिनिस्ट्री वही व्यक्ति कर सकता है, यदि आपको पाप के उस अंधकार से निकाला है तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है, आप किसी को निकाले।
मूसा स्वार्थ से भरा हुआ नहीं था, मूसा को उस पानी से निकाला, उसके माँ बाप ने 3 महीने के बाद पानी में फेंक दिया। बाइबल ऐसे स्पष्ट रीति से कहते हैं। आइए वहां से हम पढ़ेंगे इब्रानी 11:23 से आगे क्या कहता है। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और ये राजा के आज्ञा से न डरे। और विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आमीन। आज हम मूसा के जीवन से देख रहे, मूसा के अगर हम देखेंगे तो लगभग इस इब्रानी 11:24 से लेके अगर हम 27 तक पढ़ेंगे तो यहां पे बाइबल कहती है कि 8 प्रकार के निर्णय है। कितने निर्णय है? 8 प्रकार के निर्णय है, जिसमें से अव्वल नंबर का जो निर्णय आता है वो निर्णय आता है सयाना होने के बाद उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। आज हमारे मसीहत को एक ऐसे ही दीमक लगी हुई है जैसे लकड़ी को जो दीमक लगती है, जो लकड़ी को अंदर से, लकड़ी बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, अंदर से पूरी तरह से कमजोर कर देती है, उस लकड़ी को छोटा बालक भी तोड़ सकता है। आज एक ऐसी दीमक लगी हुई है कि बहुत सारे लोग आज जिस आत्मिक प्रौढ़ता की ओर जाना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। आज बहुत कम समय में हर एक व्यक्ति को स्टेज चाहिए, एक स्थान चाहिए, एक मिनिस्ट्री चाहिए, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी चाहिए। इसलिए इन दिनों में अगर आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी आज प्रचार कर रहे। आप कहेंगे सैमुअल नबी भी बच्चा ही था, लेकिन आपको मिनिस्ट्री को देखना होगा। आप मुझे सवाल कर सकते हो कि पास्टर आप कैसे कह रहे हो कि आपको इन बातों से आप सहमत नहीं हो। मैं सैमुअल नबी का जो उदाहरण दे रहा हूं, सैमुअल नबी बचपन से लेकर स्टेज तक वो एली याजक की अधीनता में था। एली याजक जाने के बाद भी कुछ सालों तक वो परमेश्वर की ओर देखकर जीवन जी रहा था, उसका समय आने के बाद फिर वो खड़ा हुआ। इसका यह नहीं मतलब निकलता है कि सैमुअल 3 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र से ही बड़ा काम करने लग गया। फिर यीशु मसीह जब यरूशलेम में अच्छे अच्छे ज्ञानियों को दिन में तारे दिखा रहे थे, 12 साल की उम्र में मेंशन किया है, अच्छे अच्छे ज्ञानी अचंभा कर रहे थे, ये है तो कौन। जब वो 12 साल की उम्र में वहां पे उधर दिखता है हमें, तो यीशु मसीह 12 साल की उम्र में वो यरूशलेम जा सकता था, कफरनहूम जा सकता था, याईर की बेटी को जिंदा कर सकता था। बीच में एक सीरियल आई थी टीवी के ऊपर, उस सीरियल के ऊपर बहुत सारे बाइबल कॉलेज के लोगों ने उसके ऊपर स्टे लाया, वो सीरियल शायद बंद कर दी गई क्योंकि उस सीरियल के अंदर यीशु मसीह बचपन से ही चमत्कार करते हुए दिखे। वैसा नहीं है, यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आया, उसने पहले अपने जगिक माँ बाप की जिम्मेदारी को उठाया और वो जिम्मेदारी को पूरा उठाने के बाद उम्र की आयु की 30 आयु में जब वो पक्का मैच्योर हो गया, 12 साल की उम्र में वो इतना ज्ञानी था लेकिन उसके बावजूद वो अपने माँ बाप की अधीनता में 18 साल तक रहा। कोई कश्मीर में नहीं आया, वो ये सारे बकवास बातें लोगों ने बनाई हुई अफवाह है, रूमर से ये सारी। 18 साल तक वो अपने माँ बाप के घर में बढ़ई का काम कर रहा था और जब उसका समय आया, जब संसारी माँ बाप की जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद वो स्वर्गीय पिता की जिम्मेदारी के लिए जो मिशन उसको दिया था, उस मिशन के लिए 30 साल की परिपूर्ण आयु में, परिपक्वता में, प्रौढ़ता में, मैच्योरिटी में आकर वो सेवा के लिए बाहर निकला। आज मुझे आपको बताना है, बहुत सारे
हमारे इधर महाराष्ट्र में एक कहावत कही जाती है, आधे हल्दी में पीले हुए लोग। आजकल के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो आधे हल्दी में पीले हैं। थोड़ी बहुत ज्ञान उनको आ गई, थोड़ा बहुत प्रचार से कुछ मिल गया, या वहां से कुछ कॉपी मार दिया, साउथ अफ्रीका से कुछ लिया, चेन्नई से कुछ लिया, पंजाब से कुछ लिया, ये सब लेके मिक्सचर बना के कुछ बातें बोल दी तो लोगों को लगता है जबरदस्त। लेकिन जब समय आता है तब ये लोगों का जो भी असलियत है वो सामने आ जाती है। इसलिए मुझे देखने वाले स्पेशली जवानों, आप गौर से सुनो, आपको यीशु मसीह को रोल मॉडल बनाना है या आपको सैमुअल को रोल मॉडल बनाना है, ये आपका चॉइस है। सैमुअल नबी बचपन से ही आप मां ने उसको समर्पित किया था, डेडिकेटेड किया था, लेकिन यीशु मसीह डेडिकेट किया हुआ था, लेकिन एक समय तक, पिता के समय तक वो रुका, मैच्योरिटी में आया, इसीलिए तो वो उसके मैच्योर जीवन से लोगों को आकर्षित कर रहा था। आज सवाल ये है, बहुत सारे लोग सेवकाई कर रहे लेकिन प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचे, उस मैच्योरिटी नहीं आ रहे। जो सयानापन है, बाइबल यहां पे स्पष्ट कहती है, मूसा सयाना होने के बाद निर्णय नंबर एक लेता है। उसे जब पता चला कि मैं मिस्री नहीं हूं, भले उसके शरीर पर मिस्री वस्त्र थे, राजकुमार के वस्त्र थे, उसके सर में मिस्री ताज था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं मिस्री नहीं हूं तो उसने इनकार किया फिरौन की बेटी का पुत्र होने का। मेरा सवाल है यहां पे, जब आपको उद्धार का अनुभव आया, जब आपको उद्धार मिला, जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो, और उसके बाद भी अगर संसार के साथ, बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ, दुनियादारी के साथ अगर आज भी हम चिपके हुए हैं, तो हमारे उद्धार के ऊपर कहीं ना कहीं आज शक पैदा होता है। आज अगर मैं संसार से भी जुड़ा हुआ हूं, निश्चय मुझे संसार में रहना है। एक बहुत अच्छे प्रचारक ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मसीह लोगों का जीवन कैसा है पता है? मसीह लोगों का जीवन नाव के जैसा है। आप सब लोग नाव जानते हो, नाव चलती कहां पर है? पानी पे चलती है। नाव पानी पे चलती है, पानी उसका जीवन है, लेकिन वो पानी को पीती नहीं है। यदि वो कोई नाव के अंदर छेद आता है और पानी अगर अंदर चला जाता है तो वह नाव डूब जाती है। वैसे ही यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है, तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, तुम जगत में हो लेकिन तुम जगत के नहीं हो, क्योंकि मैंने जगत के निर्माण से पहले मेरे में तुम्हें चुन लिया है। इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय की शुरुआत में यह बात बताई गई। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोग चर्च फेलोशिप में, प्रार्थना में, आराधना में बहुत आध्यात्मिक होते, लेकिन उसका दूसरी साइड अगर देखते तो वो बाहर पूरी तरह से जगत के हो जाते। मूसा को जब पता चला, मूसा ने जब छानबीन की, 40 साल तक वो मिस्री राजकुमार, मिस्री व्यक्तिमत्व, मिस्री फिरौन के राजा के जैसा, मिस्री लोगों के जैसा बर्ताव करता था, मिस्री व्यवहार करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं योकबेत और अमराम का बेटा हूं, मैं एक इजरायली हूं, मैं लेवी गोत्र से ताल्लुक रखता हूं, जब ये बातें मूसा को पता चली तब उसने जाकर डायरेक्टली जिस फिरौन की बेटी को शायद वो मम्मी मम्मी कहता होगा, जिस फिरौन की बेटी की गोद में वो सोता होगा, जिस फिरौन की बेटी उसको सहलाती होगी, उसने खुलेआम जाकर कहा कि तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां एक इसराइली है, मैं मिस्री नहीं हूं। आज मुझे आपको बताना है, आज ऐसे जवान अपने साथ है, उन जवानों को मैं बताना चाहता हूं, आप मिस्र की बेटी की औलाद नहीं हो, आप सियोन की बेटी की औलाद। वो सियोन में वो राजा राज करता है, उस पवित्र परमेश्वर के संतान हो आप इस संसार के नहीं हो। इसलिए रोमियो का 12 अध्याय वचन 2 से आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश मत बनो, तो अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा खुद का रूपांतर कर लो। आज हम इस संसार के सदृश बन रहे, इस संसार के नाई बन रहे, हमारे फैशन, हमारे फटे फूटे कपड़े। आज बहुत सारे चर्चित में जब देखता हूं फटी हुई पैंट पहनकर गिटार लेके यीशु तेरा नाम गाते, ये फिरौन की बेटी की संतान है, ये सियोन की बेटी की संतान नहीं है।
हमारा पहराव कैसा चल रहा है, हमारी बातचीत कैसी है, हम किस स्टाइल में आराधना कर रहे हैं, हम सच में समर्पण के साथ आराधना कर रहे हैं, क्या हम सच में दुनियादारी के साथ आराधना कर रहे हैं। आज इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। बाइबल यहां पे स्पष्ट रीति से कहती है कि उसने फिरौन की बेटी का उसने इनकार किया, उसके पहले उसके अंदर वो आत्मिक प्रौढ़ता हमें दिखती है, यह आत्मिक सयानापन हमें दिखता है। और आत्मिक सयानापन उसके 40 साल की आयु में आया। 40 साल तक वो राजमहल में रहा, 40 साल तक वो जंगल में एकदम सूखे स्थान में गया जहां पर भेड़ बकरियां चरने लगा। 40 साल के बाद अगले 40 साल उसने लाखों लोगों की अगुवाई की। जो 120 साल का जो उसका पड़ाव है, उस 120 साल के पड़ाव में 40 साल की उम्र में वो सयाना हो गया। और हमारे 10 साल के बच्चे खड़े हो जाते, उन्हें बुलाया जाता है प्रचार, संडे स्कूल तक ये ठीक है, संडे स्कूल तक ये ठीक है, लेकिन वहां से आगे मेरे यहां तो मुझे बाहर के चर्च का पता नहीं, लेकिन मेरे यहां पर मैं उससे सहमत नहीं हूं। फिर वो बच्चा कितना भी जबरदस्त प्रचार करने वाला क्यों ना हो, उसको अनुभव ही क्या है, केवल बोलना ये प्रचार नहीं है। जो प्रचार आप मैं करते हैं ना, वो प्रचार हम पहले जीने वाले होने चाहिए। वो प्रचार पहले आपको दुनिया के लिए नहीं, पहले व्यक्तिगत हमारे लिए लागू है। यदि मैं धर्मी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं तो ही मैं आपको धर्मी जीवन के ऊपर प्रचार कर सकता हूं, अन्यथा मेरा ये प्रचार करना ढोंग से भरा हुआ होगा। ये मेरे खुद के लिए मैं लागू करता हूं। आमीन, हालेलुया। अब इस प्रौढ़ता में जब हम देखते हैं मनुष्य इस प्रौढ़ता तक कैसे पहुंचता है, ये आत्मिक प्रौढ़ता के लिए कैसे, जैसे शारीरिक प्रौढ़ता में हम देखते हैं कि जब नवजात शिशु होता है तब उसको मां अपनी छाती से दूध पिलाती है, तब उसको जैसे बढ़ते जाएगा उसको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दाल राइस उसको मिक्सर में मार कर दिया जाता है। अभी तो ये खिलाने वाले कोई नहीं है, अभी मेडिकल में रेडीमेड मिलता है सेरेलैक, दाल चावल का सेरेलैक है, गेहूं का सेरेलैक है, चावल का सेरेलैक है, फेरेक्स है, पाउडर का दूध है। आजकल के मॉडर्न मसीहत में और मॉडर्न जमाने में ये बात है, शायद गांवों में आज भी दाल चावल खिचड़ी बच्चों को खिलाई जाती है, शहरों में ये रहा नहीं है, सब शॉर्टकट वे में चल रहे, फास्ट फूड उनको खाना है। इसलिए बच्चे शारीरिक क्षेत्र में भी कमजोर है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कमजोर है। बच्चों को समय से पहले मोबाइल हाथ में दिया जाता है, क्यों, तो बच्चा चुपचाप बैठे, चर्च में वो शोर शराबा ना करे, मेहमानों के सामने शोर शराबा ना करे, दे दो उसको मोबाइल। और यही मोबाइल को देखते देखते वो आत्मिक मैच्योर तो नहीं होता है, लेकिन संसारिक मैच्योर देखते बनते बनते वो पॉर्न वीडियोस देखना शुरू कर देता है। और जिस उम्र में जो पाप नहीं कर रहा है उस पाप में वो गिर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन, माँ बाप। हमें हमारे बच्चों को जो चीजें देनी है उनकी मैच्योरिटी लेवल से देनी है। माँ बाप क्यों देते, वो रोता है इसलिए, बच्चा हम कहते भी है, देखो हमारा बच्चा यूट्यूब खोलता है, हमारा बच्चा फेसबुक खोलता है, हमारा बच्चा व्हाट्सएप करता है, हमारा बच्चा कॉल करता है, लेकिन यही बातें आगे चल के खतरनाक हो सकती है। मैं सहमत नहीं हूं माँ बाप से कि बच्चे को मोबाइल दिया जाता है। मैं कहीं पर जगह पर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उस परिवार में, उस परिवार में एक लड़की छोटी बच्ची थी, वो बच्ची मेरे मोबाइल को देखकर आकर्षित हुई और मैंने उसके साथ एक सेल्फी ली। अब वो मोबाइल देखने तुरंत उसके माँ बाप ने क्या किया, उसकी बाइबल की कहानियों के किताब लेकर आए और उसके सामने रखे। अब वो किताब बाइबल की जो चाइल्ड बाइबल होती है स्टोरी वाली पिक्चर वाली, वो देखकर उसने गाना गाना शुरू कर दिया, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, मोबाइल से उसका ध्यान हट गया। अब वो बाइबल की कहानियों के पत्ते पलटती रही और मुझे बताती गई, जीसस, लाजरस, मरियम। आज मुझे आपको बताना है, आपके बच्चों को बचपन से इन बातों में आपको बढ़ाना होगा। आप अगर उनको स्कूल में पढ़ाते हो, स्कूल की भाषा उनको समझती है, स्कूल की शिक्षा दी जाती है, आपका फर्ज है, माँ बाप का फर्ज है आपके बच्चों को भी आपको बाइबल की परिभाषा, बाइबल की शिक्षा देनी होगी। आज कितने सारे लोगों को मैं देखता हूं, कभी कभी जाता हूं मसीह परिवार में, मैं गया था मसीह परिवार, उनको पूछा दाऊद को जानते हो क्या, वो बच्चा ऐसा सर खुजला रहे, दाऊद पता नहीं, यूसुफ को जानते हो क्या, मिस्र में का यूसुफ, नहीं पता है, ये हालात है। लेकिन उनको अगर ये पूछेंगे ना, कैटरीना कब पता है क्या, पता है, हाँ कैटरीना कब पता है, शाहरुख खान पता है क्या, शाहरुख खान पता है, लेकिन उन्हें सुलेमान पता नहीं, लेकिन उन्हें सैमसन पता नहीं है,
उन्हें दानियल पता नहीं है, लेकिन आज दुनियादारी के हॉलीवुड के स्टार्स का नाम उनको पता है, लेकिन आज उन्हें बाइबल के हीरोज का नाम पता नहीं है। इब्रानी का 11 अध्याय में बाइबल के हीरो का किताब है, हीरो का अध्याय है जहां पर उनका नाम लिखा गया है। एक केवल अगर वहां से काइन का नाम हटा देंगे तो सारे नामों को पढ़ेंगे तो वहां पे सारे बाइबल के हीरो का नाम है, सुपरस्टार्स हीरो का नाम है, जो गवाहों के बादल से आज भी हमसे बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम वहां पढ़ते हैं कि एक बच्चा जो शारीरिक भोजन खाते खाते फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर वो जवानी की ओर आता है, तो वो जवान होने के बाद वो दाल चावल थोड़ी खाता है, वो तगड़ी रोटी खाता है, मांस मच्छी खाएगा, साग तरकारी खाएगा, तीखा भी खाएगा, मीठा भी खाएगा। और आजकल तो फैशन है, स्टाइल है, जिम करने लग गए बच्चे। मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छी लगी, लेकिन इन दिनों में जवान लोगों के अंदर जुनून आ गया जिम करने का। लेकिन मुझे जवानों को बताना है, वो जुनून को बीच में से मत छोड़ दो, कुछ बनाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, शारीरिक बॉडी भी बनाओ और आध्यात्मिक बॉडी भी बनाओ, ताकि शैतान और शैतान की दुष्ट आत्मे आपको देखकर थरथराना नहीं चाहिए, नहीं तो आप ही हॉरर मूवी देखकर आप ही थरथराते होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंधेरे को देखकर आप नहीं डरने चाहिए, अंधेरा आपको देखकर डरना चाहिए, ऐसा व्यक्तिमत्व आपका होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मिक बालक कैसे बढ़ते हैं और आत्मिक प्रौढ़ कैसे होते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और वचन 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहां पे जब शुरुआत होती है, जब कोई नया नया प्रभु में आता है तो उसको दूध ही पिलाया जाता है। कभी कभी मेरे चर्च में जब मैं देखता हूं कि जब कोई व्यक्ति नया व्यक्ति चर्च में आया है, मेरा संदेश बदल जाता है। मेरे लोगों को भी वो आदत हो गई है कि पास्टर ने यहाँ पे सुसमाचार बताना शुरू कर दिया है, इसका मतलब कोई नया व्यक्ति आया है। मैं वहां पे सुसमाचार बता के उसी मैसेज को और हल्का बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि बैठे हुए प्रौढ़ लोगों को, सयाने लोगों को और आए हुए बच्चों को भी वो समझ में आए। लेकिन कुछ लोगों को ये दिमाग काम करता ही नहीं है, बड़े बड़े प्रचार देते रहते, लोगों के सर के ऊपर से चला जाता है। अभी ये तो बालक के बारे में बताया गया है, अभी हम सयाने के पास चलेंगे और सयानों के बारे में इब्रानी 5वां अध्याय वचन 11-13। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जो आज के डेट में पुराने विश्वासी है लेकिन बच्चे के नाई ऊंचा सुनते हैं। जब मां कहते बेटा, ए बेटा, तब जाके मम्मी कहता हो। आज कुछ लोग सालों से मसीह में है लेकिन ऊंचा सुनते हैं। आगे देख, समय के विचार से तो तुम गुरु ही होना चाहिए था। अभी जो समय है, इतने सालों से मसीह में है, कुछ लोग 5 साल से 10 साल से 15 साल से, लेकिन बाइबल यहां पे कहते हैं कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि की शिक्षा फिर से सिखाए। ये मसीहत को लगी हुई दीमक मैं क्यों कहा हूं पता है? आज के डेट में बहुत सारे अपने आप को पुराने विश्वासी कहने वाले, वो भी प्रार्थना करने के बाद पास्टर जी को कहते हैं कि आपको कुछ दिखाया क्या प्रभु ने? मुझे पंजाब से जब फोन आता है ना, तो मैं पहले उनको कहता हूं मैं केवल प्रार्थना करूंगा, बाद में मुझे आप आमीन कहने के बाद ये पूछना नहीं कि प्रभु ने कुछ दिखाया क्या। अगर प्रभु को दिखाएगा तो आप पूछने से पहले मैं बताऊंगा। आज मसीहत में पुराने विश्वासी लोग भी सब जगह पर ऐसे विश्वास शिक्षकों का, भविष्य वक्ताओं का जमावड़ा लगाते हैं और अभी ये गुरु होना चाहिए, ये किसी को प्रचार करना चाहिए, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि इनको ही अभी फंडामेंटल टीचिंग देना पड़ेगा, जिसे मूलभूत शिक्षा कही गई है। मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, पिता के और दाहिने में बैठा है, आने वाला है, ये वापिस से बताना पड़ेगा। आज ये हालत है मसीहत की। क्यों? इसका एकमेव कारण है, सयानापन से बहुत दूर है। केवल संडे चर्च आने से हम सयाने नहीं होंगे,
केवल संडे आराधना क्रिसम सजाने नहीं होंगे, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कमाने के लिए मेहनत कर रहे, पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे, परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहे, धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए भी मेहनत करनी होगी। और धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए मेहनत करनी है तो उसके चरणों के पास बैठकर आराधना के साथ इस वचन की रोटी को खाना होगा। समझे या ना समझे, पढ़ते रहो, एक समय आएगा पवित्र आत्मा की ऐनक आपको मिलेगी, पवित्र आत्मा का चश्मा आपको मिलेगा। जिन वचनों को आपने पढ़ाए समझाने की समय आएगा वो आपको समझेगा नहीं, तो आपको खुद ब खुद उसमें यीशु मसीह दिखाई पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलता हूं मैं आपके लिए। बाइबल ऐसी कहती है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि आपको फिर से वो सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब अन्न के बदले बहुत सारे, बहुत लंबा प्रचार करते पास्टर जी, बहुत कड़वी बात कहते पास्टर जी, बहुत कठिन बात कहते पास्टर जी, क्यों ये आपको क्यों नहीं हजम हो रहा है? इसका कारण हम सालों से उस पहली कक्षा में एलकेजी में बैठे हुए बच्चे जो बोतल के निप्पल लगे हुए दूध की बोतल से मुसु 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 दूध पी रहे, हमको केवल एक ही पता है, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यस जीसस लव्स यू बट जीसस जज यू। यीशु निश्चय हमसे प्रेम करता है लेकिन यीशु वही हमारा न्याय भी करेगा, इसीलिए हमें धर्मी जीवन में बढ़ना होगा। हालेलुया, केवल यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है। कितने सालों तक हमारे यहाँ पे, मैं जिस बस्ती में रहता था वहां पर एक बच्चे को देखते, आज भी हम उसको आज हमको टीस करते हैं, हमको हम उसका मजाक उड़ाते, अभी वो दो बच्चे का बाप है, लेकिन आज भी मैं उसको मजाक में बोलता हूँ, क्या निप्पल, ये निप्पल क्यों बोलते थे पता है? वो उम्र की 12 साल की आयु में जब वो खेलने को आता था हमारे साथ तो माँ दूध की बोतल भर के देती थी और उसको निप्पल लगा हुआ था, वो चूसते चूसते आता था, उसके गले में भी एक निप्पल रखा हुआ था जो शहद का निप्पल था, दूध खत्म होने के बाद वो शहद वाला निप्पल ऐसा चूसते रहता था। आज कुछ मसीह लोग सालों से निप्पल ही चूस रहे। आपको मेरी बात थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कठिन लगेगी लेकिन ये मसीहत की आज हालत है। आज इतने सालों से मसीह में है फिर भी अभी आज कुछ लोग पंजाब के वीडियो देखते हैं और पागल के जैसे एटीएम कार्ड को तेल लगा के अभिषेक करते कि मिराकल मनी अकाउंट में आ जाए। इन सब बातों में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, हमारे आत्मिक बुद्धि का विकास हुआ नहीं है। हम शरीर से बढ़ते तो जा रहे लेकिन आत्मा में अभी भी निप्पल से दूध पीने वाले बने हुए। आप कहेंगे सिल्वर जुबली के ऊपर कुछ अच्छा मिलेगा मैसेज, लेकिन मैं आपको बेहतरीन बात बता रहा हूं, आप रोटी खाने वाले हो या दूध पीने वाले हो। पहली कक्षा का बच्चा निश्चय मां के हाथ से दूध पीता होगा लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है छठी और सातवीं कक्षा से वो हाथ से खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन बाइबल यहां पे कहती है अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। कौन से वचन की पहचान? धर्म के वचन। जिसे धर्म के वचन की पहचान होती है वही धर्मी जीवन में बढ़ते जाता है। आज धर्म के वचन की पहचान क्यों नहीं हो गई है? क्योंकि हमें कानों में गुदगुदी होने वाले संदेश प्यारे लग रहे लेकिन हमारे हृदय के आर पार जाने वाली तलवार हमें पसंद नहीं है, हमें ऑपरेशन ठीक नहीं लग रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है हमने धर्म के ऊपर ऑलरेडी इब्राहिम के धर्म के ऊपर देखा है। बाइबल कहती है धर्म की परिभाषा जो व्यवस्था विवरण 6:25 में हमने देखी है, वचन को पालन करने के लिए चौकसी करते हुए जो जीवन जीता है वो उसके लिए धर्म गिना जाता है। इब्राहिम ने अपने पुत्र की आहुति देने के लिए तैयार हो गया। इब्राहिम ने पुत्र पैदा होने से पहले उसके अंदर से निराशा को निकाल कर वचन पे विश्वास करके तारों को गिना, इसलिए बाइबल कहती है उसके लिए धर्म गिना गया। आज हमें धर्म के वचन की पहचान नहीं हो गई, हम अभी भी लाजरस की ओर अटके हुए, हम अभी भी उस 12 साल की स्त्री की ओर अटके हुए, हम अभी भी चिन्ह चमत्कारों के ऊपर अटके हुए, लेकिन मसीह जीवन की जो नींव हमारे लिए रखी गई है उस नींव में हम बलवान होना नहीं चाहते, हमें बढ़ना होगा। जिस ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है, मैं इतने समय में ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर आग लगी हुई है कि मैं कितने लोगों को ये बताऊं। यदि कोई ऐसा अभी देख रहा है या बाद में देखेगा, आज अपने आप को जांचो, मैं सालों से मसीह में हूं, क्या मैं निप्पल से दूध पी रहा हूं या मैं वचन की रोटी तोड़ के खा रहा हूं?
इस वक्त मुझे और आपको बहुत अध्ययन करना होगा। हम देखते सालों से, लेकिन अभी भी वो अभी दसवीं कक्षा में होना चाहिए, लेकिन अभी भी एलकेजी का ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ही कर रहे हैं। इन बातों पे हमें ध्यान देना होगा। आगे ऐसा दिया, पर आगे से धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। कौन है? बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है। किसके लिए? प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, मैच्योर व्यक्ति के लिए, सयाने व्यक्ति के लिए, अन्य सयानों के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गई है। मैं रुक रहा हूं यहां पे। मैंने आज पहला, लास्ट टाइम मैंने तीनों निर्णय बताए थे, लेकिन मैं अभी पहला जो निर्णय है, फिरौन की बेटी का इनकार करने के लिए, आप इनकार तब करोगे जब आप सयाने होंगे। और आप सयाने कब होंगे? जब आप दूध पीना छोड़कर तब आप अन्न सेवन करना शुरू करोगे। आपके ज्ञानेंद्रियों को, आपके ऑर्गन्स को, जैसे शरीर का ऑर्गन है, जैसे आत्मा के ऑर्गन से आपको भले बुरे की पहचान नहीं होगी। बच्चे को कोई चॉकलेट थमा देता है और वो चॉकलेट की मोह में या चॉकलेट के लालच में वो बच्चा अगवा किया जाता है और उस बच्चे को किडनैप करते हुए फिरौती मांगी जाती है, एक्सटॉर्शन मनी। आज शैतान वही कर रहा है मसीहों के साथ, उन्हें भविष्यवाणियों का, चिन्ह चमत्कार का, रॉन्ग डॉक्ट्रिन का चॉकलेट देकर उन्हें प्रभु की ओर से किडनैप करके लेके जा रहा है। वो किडनैप इसलिए हो रहे क्योंकि वे अभी भी बालक है। और फिर पास्टर जी दुआ करो छुटकाने के लिए, दुष्ट ने किडनैप किया है, दुष्ट ने बांध लिया है, हमें छुड़ाने के लिए प्रार्थना करो। कब तक? धर्मी जीवन की ये पड़ाव है, धर्मी जीवन का ये सामर्थ है। आप कब तक बंदी रहोगे? आप छुड़ाने वाले कब बनोगे? हमारे ज्ञानेंद्रियों को आज भी भले बुरे की पहचान नहीं हो रही। इसका कारण सालों से दूध ही पिया जा रहा है, सब मीठा मीठा ही चल रहा है, हल्का फुल्का। हमारे मराठी बाइबल में इस वचनों को दिया है कि उन्हें हजम नहीं होता है, उन्हें हेवी फूड, ऐसा लिखा है मराठी में, उन्हें हेवी फूड हजम नहीं होता है। हजम नहीं होता है मतलब या तो वॉमिट होती है, या तो उन्हें डिसेंट्री लग जाती है, या तो उन्हें लूज मोशन होता है, या तो उल्टी होती है। आज बहुत सारे पुराने मसीहों के साथ यही हो रहा है, या तो वॉमिट या तो डिसेंट्री। उसको रोकने के लिए आपको सयाना होना होगा। मैं आपको इस आज के 25वीं इस एपिसोड में आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं, आप निर्णय तभी लोगे जब आप आत्मिक क्षेत्र में सयाने बन। आज की डेट में मसीहत में बहुत ज्ञान आ गया है, हमारे बच्चों को ज्ञान आ गया है, सभी क्षेत्रों का ज्ञान आ गया है, सॉफ्टवेयर मीडिया के द्वारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारा ज्ञान आ गया है। अनपढ़ व्यक्ति भी आज गूगल वॉइस का इस्तेमाल करते हुए बोलकर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे। लेकिन आज हालत यह है, बाइबल केवल कुछ समय पर ही खोली जाती है। वचन अच्छा लगा तो सुनना है, नहीं लगा तो निकल जाना है बाहर। इसीलिए आज समस्या यह है कि उन्हें हेवी फूड हजम नहीं हो रहा है, वो दूध पर ही जीवन जी रहे। लेकिन आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार कब किया? जब वो सयाना हो। आपको सयाना होना होगा। फिरौन की बेटी शायद आपको अच्छा प्रमोशन लेकर आएगी, या आपको पहचानना होगा यह फिरौन की बेटी के पास से आया है या सियोन की बेटी के पास से आए। सियोन की बेटी, स्वर्गीय बेटी, मैं कोई स्त्री परमेश्वर के बारे में नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर ने पुराने नियम में सियोन की बेटी का जिक्र किया है, लेकिन आज हमें सियोन में, मतलब उस परमेश्वर के राज्य में जाना है। आज मुझे और आपको उसके साथ रहना है। लेकिन इन दिनों में हमारे चुनाव गलत तो नहीं हो रहे? मां बाप गलतियां कर रहे तो बेटे बेटियां भी गलतियां कर रहे। आज फिर से कहना चाहता हूं, यदि हम सालों से उसी कक्षा में है, आज निर्णय ले लो, प्रभु मैं अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं निर्णय लेने के लिए तैयार हूं, मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। सालों से चल जा रहा हूं लेकिन कुछ आदतें छूट नहीं रही है, आराधना कर रहा हूं, दुनिया की बातों में पड़ा हुआ हो, खुद को सेवक सेविका आराधक कहता हो, लेकिन अभी भी फैशन की दुनिया में उलझा हुआ हो। मेरा मेकअप करके चर्च में आना
मुझे इस मेकअप में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा मेकअप आत्मिक सुंदरता से होना चाहिए। जब परमेश्वर की महिमा उतर के आएगी तो तुम्हारे चेहरे पे वो निखार आएगा जो कोई फेशियल आपको निखार नहीं देगा। इन दिनों में इन बातों को सोचना होगा, मेरा पहराव कैसा है, मैं कुछ तरीके से पहराव करता हूं या करती हूं, मेरे पहराव को देखकर किसी के विचार मैले हो रहे हैं या किसी के विचार पवित्र हो रहे, आज इस बात पर भी ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग आज बड़ी तादाद में बालक है, लेकिन आज मैं इस धर्मी जीवन में मूसा के निर्णयों के ऊपर जाने से पहले ये पहली ही बात बताना चाहता हूं, आपको हर हालात में आत्मिक सयाना होना हो। मूसा ने निर्णय लिया, वो उस राजगद्दी पे सोता होगा, उस जगह पे शाही खाना खाता होगा, लेकिन वो जब गोशेन में गया अपने लोगों को देखा, शायद उनके साथ उसने रात बिताई होगी, उनका खाना देखा होगा, उनकी गुलामी देखी होगी, उनका कष्ट देखा होगा, तब उसे एहसास हुआ अब मुझे खड़ा होना होगा। उसे खुलेआम जाके कहा, फिरौन की बेटी को, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं योगबेद और अमराम का बेटा हूं जो इसराइली है। परमेश्वर आपसे बेनता मोहब्बत करता है, लेकिन अगर उस मोहब्बत को हम अगर ठट्टों में उड़ाते तो वही मोहब्बत करने वाला कड़वा परमेश्वर हमारा न्याय भी करेगा। निश्चय जीसस लव्स यू, निश्चय जीसस जज यू। मुझे न्याय के सामने जाने की नौबत ना आए, इसीलिए आज ही निर्णय लेना है। जो हमने पढ़ा धर्म के वचन से हमें वाकिफ होना होगा, धर्म के वचन मुझे और आपको धर्मी बनाएंगे, और ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे धर्मी जन की संतान टुकड़े नहीं मांगेंगी, ऐसे धर्मी लोग त्यागे नहीं जाएंगे, ऐसे धर्मी लोगों की ओर परमेश्वर की आंखें लगी होंगी, ऐसे धर्मी लोगों की ओर परमेश्वर के कान लगे होंगे, ऐसे धर्मी लोगों के सिर को वह आशीषित करेगा, ऐसे धर्मी लोगों को याद करके लोग आशीष पाएंगे। हमें वो जीवन जीना है, और ऐसे ही धर्मी लोगों को रैप्चर में या पहले पुनरुत्थान में अधिकार मिलेगा, जो पिता के याजक और पवित्र संतान बने। जीवन जीते वक्त जितना हो सके धर्मी जीवन जीना है, बढ़ना है, आगे चलना है, भले दुनिया ठट्टा उड़ाए, भले मेरे अपने मजाक उड़ाए, लेकिन मैं धर्मी जीवन जीऊंगा। मेरे धर्मी निर्णय भले मेरे अपनों से मुझे दूर करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे खुदा के करीब मुझे लेकर जाए। सोचो, अपने आप को जांचो, क्या मैं धर्मी चुनाव कर रहा हूं, धर्मी निर्णय मेरा ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ जा रहा है या संसार के साथ जा रहा है, क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, क्या मैं क्षमाशील हूं, क्षमा मांगता हूं मैं क्षमा करता हूं, क्या मैं प्रार्थनाशील हूं, अपने सताने वालों को भी मैं क्षमा करता हूं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, क्या मैं समझदार हूं, जो हमारा आज का टॉपिक है, मूसा सयाना हो गया, मूसा समझदार हो गया, तब जाके वो खुदा की खोज में निकला। हमें समझदारी सालों से नहीं आ रही है तो हमारा चर्च जाना व्यर्थ है। केवल चिन्ह चमत्कार को नमस्कार करने के लिए चर्च मत जाओ। चर्च एक ऐसा महाविद्यालय है जहां पर हम आत्मिक क्षेत्र में बलवान होते जाते हैं। चर्च ऐसा कुश्ती का अखाड़ा है जहां पर हम आत्मिक पहलवान बन जाते हैं। चर्च केवल फॉर्मेलिटी बोलकर नहीं जाते, चर्च में हम तैयार होने के लिए जाते हैं। हमें वहां पे सीक्रेट्स बातें बताई जाती है, हमें तैयार किया जाता है ताकि सप्ताह भर हम उस पर चलते रहे, अमल करते रहे, बढ़ते रहे। प्रभु करे आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक सयाना होकर आने वाले दिनों में फिरौन की बेटी नाना प्रकार की परीक्षा या आकर्षण लेकर आए, तब आप खुलेआम कह सके, फिरौन की बेटी तेरा और मेरा कुछ वास्ता नहीं है, मैं स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हूं, मैं आत्मिक इज़राइल हूं। आत्मिक इज़राइल का मतलब है परमेश्वर का मुख देखने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहता है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह लज्जा से काला नहीं होगा। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करते। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में धन्यवाद देते, सुंदर से इस वचन के लिए आपको ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु जी, आज फिर से एक बार आपने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हम अन्न सेवन करने वाले हैं या दूध पीने वाले हैं। अब तक हम गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमें धर्म का वचन समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग अभी भी बालक अवस्था में है उनके ऊपर तू दया कर, और मैच्योरिटी में आने के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए, समझदार होने के लिए, मसीह में बलवान होने के लिए योग्य निर्णय लेकर, संसारिकता को त्याग कर, जगत की बातों को अधिकार करते हुए आत्मिक बातों को अपनाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी रूह के द्वारा यीशु नासरी के नाम में तू उनकी अगुवाई कर, ताकि प्रभु ये तेरे लोग बालक नहीं
तो सयाने हो जाए। और हर दिन मिस्र की वो जो बेटी है, फिरौन की जो बेटी है, उसका इनकार करे और स्वर्गीय राज्य के लिए अपनी सूली उठाकर यीशु मसीह के पीछे चले। धन्यवाद देते, आपने वचन के द्वारा हमसे बात की, इसलिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। दुआ करते हैं, खुदावर यहां पर देखने वाला अगर कोई बीमार है, तेरा कलाम कहता है भजन संहिता 107:20 में, मैं अपने कलाम को भेजकर उन्हें चंगा करता हूं और गड्ढों से निकालता हूं। यीशु के नाम में अगर कोई बीमार है, प्रभु यीशु के नाम में 1 पत्रस 2:24 आज उनके लिए हम भेजते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यीशु के कोड़े खाने से वो हर एक बीमार चंगे हो गए। और जो बालक गड्ढे में पड़े हुए, आज वही वचन भेजकर उन्हें मसीह कहलाने वाली चट्टान पर सयाना बनाकर तू खड़ा कर दे। धन्यवाद देते, सभी को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जो कामकाज कर रहे उनके कामकाज में बढ़ोतरी दे, बरकत दे। जो शिक्षा ले रहे, जो पढ़ रहे, उनकी पढ़ाई में प्रभु उनकी सहायता कर। जो उनके जीवन के उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। जो सेवकाई कर रहे उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी कर। तेरे राह पे चलने के लिए, अधिक आत्माओं को तेरे राज्य में लाने के लिए तू उनका इस्तेमाल कर। जो परिवार को संभाल रहे, परिवार को संभालने के लिए हमारी बहनों को आप सहायता कीजिए, उनके सारे दुख दर्द यीशु के नाम में चले। धन्यवाद देता हूं, जो देख रहे जो देखेंगे, सभी को तेरे पवित्र लहू के अंदर ढकता हूं। विनती करता हूं तेरे फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा आपके अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर बना रहे। खुदावन आज के वचन को संभाल कर उसके ऊपर अध्ययन करे और अपने आप को जांचे, क्या मैं बालक हूं या अन्न सेवन करने वाला एक परिपक्व व्यक्ति हूं, उस पूर्णता तक आने वाला व्यक्ति हो, सयाना व्यक्ति हो, और धर्म के वचन को आज मैं अपनाऊंगा, धर्मी जीवन जीऊंगा, इसलिए प्रभु तू उनकी सहायता कर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं उन्हें आशीषित करता हूं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो था, जो है और जो आने वाला, उस यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।